साहब जा रहे हैं ना आएंगे दोस्तों। अभी देखिए ये जज साहब हैं, ये देखिए मैन यहाँ के जज साहब हैं जो निकल रहे, पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है और वो निकल गए। अब भी पूरा ट्रैफिक जा रहा है दोस्तों। आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ये BRM ऑफिस है, रेलवे मंडल प्रबंधक कार्यालय है रेलवे का, देखो DRM ऑफिस। और ये रहा दोस्तों मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, जो मध्य प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। यहाँ पर ही पूरे मध्य प्रदेश के जो क्रिमिनल कोर्सेज हैं, पूरे क्रिमिनल एक्टिविटी उनके बता दे। ये जो सामने बड़े बड़े जो पेड़ दिखाई आपको दे रहे हैं, और एक चंद्रमा भी दिखा दे, आप देखिए दोस्तों वो चंद्रमा आपको दिखा दिया। ये पूरा कलेक्ट्रेट ऑफिस है और ये लग गया है यहाँ ट्रैफिक। ये रहा पूरा कलेक्ट्रेट ऑफिस, मैंने आपको एक बार कलेक्ट्रेट का वीडियो भी दिखाया हुआ था, वो देख पा रहे हैं आप अगर, तो पेड़ों के पास वो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, वही है कलेक्टर का हाउस, क्योंकि ऑफिस भी दोस्तों आपके लिए। यहाँ से जाना तो नहीं था क्योंकि आगे से रोड काफ़ी ख़राब है, बट आपको नया वाला हाई कोर्ट हम दिखाएंगे बाहर से। दिन में दिखाना था, रात में दिखा रहे हैं दोस्तों, दिन में दिखा सकते थे। ये देखिए दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ना, ये है एक्चुअल में पूरा हाई कोर्ट दोस्तों। ये सेशन कोर्ट है, पूरी मध्य प्रदेश की सुनवाई यहाँ पर होती, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो भी है यहाँ पर, क्रिमिनल जिनको सज़ा वगैरह होती है पूरा। ये देखिए जिला सत्र न्यायालय पूरा इस एरिया में फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और लॉ हाउस वगैरह यहाँ पर, पूरे कानून की बुक मिल जाएंगी पूरे आपको, लॉ से रिलेटेड पूरी बुक्स आपके यहाँ मिलेंगी। और ये दोस्तों मेन गेट रहा, यहाँ का मेन गेट है हाई कोर्ट का, ये VIP, ये पूरा हाई कोर्ट की मेन गेट है ये, रात को देखिए पूरा VIP एंट्रेंस। यहाँ से सिर्फ जज वगैरह की एंट्री होती है, जो बहुत बड़े गवर्नमेंट वकील होते हैं उन्होंने की। और ये पूरा हेड क्वार्टर है पुलिस ओमती थाना का। यहाँ पर ही दोस्तों जो पूरे शहर में कैमरे लगे हुए हैं ना, उनका पूरा डाटा स्टोर यहाँ पे किया जाता है। एक बार हम लोगों को जब जिला एवं दोस्तों देख सकते हैं कितना बेहद और खूबसूरत है ये गेट, और एक फ़ोटो कैप्चर कर ली हमने, कर ली दोस्तों देख सकते हैं नई बिल्डिंग बेहद खूबसूरत। और ये इंडियन कॉफ़ी हाउस की सीरीज में से एक इंडियन कॉफ़ी हाउस ही रहा, और ओमती पुलिस थाना का हेड क्वार्टर है ये। ये देखिए दोस्तों लिखा हुआ पुलिस नियंत्रण कक्ष है, सेंट्रल रूम बोल सकते हैं इसमें पूरा। और ये ऐतिहासिक घंटाघर है जो कि बहुत ही प्राचीन है, लगभग देश किया जाता 1947 में फुहारा के पास एक कमानिया गेट बना, वो कभी उसको भी दिखाएंगे हम। और ये देख सकते हैं ये जो रोड है मेन सिटी को ओर चला जाता है, और ये रोड है जो अपना ज्योति टॉकज भी जा सकते हैं, और यहाँ से सदर भी जा सकते हैं। हाँ भाई हाँ, ये भाई साहब मिल गए हैं जो कि पूछ रहे हैं कि ब्लॉग बना रहे हो क्या। तो दोस्तों कहाँ से हैं भाई आप? भाई साहब छोटी उमदी के हैं। प्रैंक तो आप एक काम करना, कमेंट कर देना तो चैनल का तो दिख जाएगा मेरे को, ठीक है? कमेंट करके अपने चैनल का नाम भेज देना, भाई भेज दो अभी, है ना? हाँ भाई अपने जवाब पुके हाँ, उनको कॉपी कर ली है। बहुत दिन से नहीं देखा, दोस्तों ये रहा पूरा इनकम टैक्स ऑफिस, पूरा हरियाली हरियाली कारण कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ तो। तो दोस्तों अभी हम लोग जाते हुए सदर की ओर, और जा रहे हैं अभी फिलहाल रियाज, वहाँ खाएंगे नॉनवेज, कुछ चिकन विकन खाने का सोच रहे हैं। तो ये देखिए सीमा समाप्त हो गई है और ये सदर चालू हो गया है, यहाँ से कैंटी एरिया पूरा, और अभी हम लोग कैंटोरिया की ओर। तो पूरा लाइट का रिफ्लेक्शन है तो पूरा ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है, थोड़ा रोशनी में आते तो लगता ज़्यादा। दोस्तों ये देख सकते हैं आप पूरा सदर, अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, और पूरा ये कैंट एरिया है आपको दिखाते हैं पूरा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए टैंक रखा हुआ है, आगे चल के आपको टैंक दिखाते हैं पूरा, थोड़ा गाड़ी का स्पीड स्लो कर लेंगे हमारे मित्र। और ये देखिए पूरा टैंक, इसमें पूरे टैंक की इन्फॉर्मेशन दोस्तों। ये शहीद स्मारक है पूरा, ये देखिए पूरा, और ये पूरा विजयंत टैंक है, इसके बारे में पूरा ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और आप देख सकते हैं ये पूरा टैंक तोप है दोस्तों। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, देखिए दोस्तों ऐसे ही टैंक जो कि रशिया की जो पावरफुल सेना है वो यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, इनसे भी खतरनाक टैंक हैं
जो कि रशिया ने बनाए हुए हैं और यूक्रेन की पूरी तबाही मचा के रखी हुई है। वाला एरिया आपको बहुत क्लीन एंड ग्रीन दिखेगा पूरा। और ये देखिए दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल है जिसके अब दोस्तों ये ब्रह्मोस मिसाइल रखी हुई है। दोस्तों ये माल रोड है एक्चुअल में, पूरा लिखी हुई है लोको फंड। दोस्तों ये देखिए क्लीनेस्ट कितना है, ग्रीनरी पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एकदम कैंट एरिया है। ये पूरा आर्मी के हेडक्वार्टर बंगलो वगैरह बने हुए हैं। दोस्तों ये देखिए आर्मी के ट्रक जा इस साइड लगा भाई थोड़ा किनारे में। दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा आर्मी के ट्रकों की लाइन लगी हुई है। तो समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी आर्मी एक्चुअल में क्यों लगाई। दोस्तों मुझे लग रहा है रशिया इंडिया हमारा रशिया का साथ तो नहीं देगा कहीं। ये पूरे टैंक देखे दोस्तों तैयार करके रखे हुए हैं, बस जैसे एक बार नरेंद्र मोदी ने बोला और बस यहाँ से हवाई जहाज़ में ये टैंक पूरे ट्रक पैक किए जाएंगे और उसके बाद पूरे अपने रशिया के द्वारा यूक्रेन पहुँच जाएंगे। जितने भी भारत के छात्र फंसे हुए हैं और MBBS करने वहाँ गए हुए हैं उनको भर के यहाँ से ले आएंगे हम। और यहाँ पे हर जो आपको ये चार दिख रहे हैं ना, चार काउंटर चार चौक तो है ये। और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग देश के नाम लिखे हुए हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ आपको लिखा मिलेगा इराक, और आगे आपको चलेंगे और आगे इस वाले देखिए ये बस स्टॉप बनाया गया है दोस्तों। और ये लिखा हुआ है फ्रांस, और यहाँ लिखा ये दोस्तों देखिए लिखा हुआ फिलिस्तीन है शायद, सॉरी फिलिस्तीन। और दोस्तों वो लिखा हुआ बेल्जियम। दोस्तों ये रहा बेल्जियम। दोस्तों हम लोगों ने चार देश यहाँ पे घूम लिए हैं एक ही चकड्डा घूम के, और अभी हम लोग निकल रहे हैं अब सदर साइड, अब फिर राउंड कर लो इसी का। दोस्तों भाई साहब हैं जो हमसे बिल्डिंग वाले थे जस्ट। और दोस्तों ये देखिए मर्सिडीज खड़ी हुई है यहाँ पर। और दोस्तों जल्दी से जल्दी दोस्तों आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते रहे, हम जबलपुर वासियों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और बहुत सहयोग के साथ हमारे दोस्तों। बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होने वाले दोस्तों फटाफट। और दोस्तों ये देखिए ये पूरा मार्केट रहा जो कि फूल मालाओं का। और ये रही दोस्तों सदर की चौपाटी, पूरा अंदर का ये एरिया। और दोस्तों हम आ गए हैं ये पूरा सदर कैंट एरिया, और पूरा ये सदर का मार्केट है। यहाँ पर दोस्तों आपको हर एक ब्रांड का शोरूम आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अभी कोई भी ब्रांड की चीज़ लेनी हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये रहा दोस्तों जैसे बाटा का शोरूम देखते हैं यहाँ मिल रहा है। दोस्तों हम लोग कंटिन्यू 2 से 3 दिन हो गए कंटिन्यू आ रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ लिवाइस का शोरूम आपको मिल जाएगा, ये लाइफलाइन है, ये रुद्रा है। ये दोस्तों यहाँ आप चौपाटी वगैरह भी मिल जाएगा, फालूदा का इंडियन कॉफ़ी हाउस, ये क्लब फॉक्स मिल जाएगा यहाँ। यहाँ दोस्तों कल हम लोगों ने फालूदा खाया था भाई साहब के पास, नहीं सॉरी दोस्तों यहाँ से नहीं खाया था। और ये रहा फालूदा, कल हम लोग यहाँ भी थोड़ी देर आएंगे रात को तो यहाँ पर खाएंगे मस्त फालूदा, बहुत ही गजब देते हैं भाई साहब। और पूरा देखिए एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगाए हुए हैं इन्होंने। ये टॉप एंड टाउन रहा, और देखिए दोस्तों आज, और पूरा ये दोस्तों ये देखिए अमेरिकन राइड, पूरा ये वाइन शॉप है। और ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं रियाज चिकन।